हेलो दोस्तों, नमस्कार। पेश है नया वीडियो जिसमें हम सीखेंगे rediffmail.com पर अपना अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अपने ब्राउज़र में टाइप करेंगे rediffmail.com। तो दोस्तों, ये rediffmail का एक होम पेज आ गया। अब इसमें ऊपर वाले ऑप्शन में देखेंगे कि साइन इन और क्रिएट ए rediffmail अकाउंट लिखा हुआ है। तो अगर हमारा पहले से अकाउंट है तो साइन इन पर क्लिक करेंगे, और यदि नहीं तो क्रिएट ए rediffmail अकाउंट पर क्लिक करेंगे। तो हमारा कोई अकाउंट नहीं है, हम एक अकाउंट बना लेते हैं। ये इसका एक फॉर्म खुल के आ गया। अब यहाँ पर अपना फुल नेम डाल देते हैं। मैं अपना नाम डाल देता हूँ, पवन तालडा। देन यहाँ पे ये rediffmail आईडी बनाने के लिए बोल रहा है, तो कोई एक छोटी सी आईडी देखता हूँ मैं, मेरी बनती है क्या पवन के नाम से? नो, पवन के नाम से पहले एक आईडी बनी हुई है, तो मैं पवन तालडा ही लिख देता हूँ। ये कन्फर्म है पवन तालडा @rediffmail.com अवेलेबल है। अब अपना पासवर्ड डाल दीजिए। पासवर्ड दोस्तों आपका 8 नंबर से कम नहीं होना चाहिए, 8 अंक उसमें होने चाहिए, और पहला अक्षर पासवर्ड का, पहला जो अक्षर है वो कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। पासवर्ड हमेशा ऐसे बनाइए ताकि आप भी ना भूल पाएँ और बाकी लोग उसको गैस ना कर सकें। यहाँ पे यदि आपका अल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस है कोई पहले से ही, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इफ़ यू डोंट हैव, तो यहाँ पे चेकबॉक्स पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। देन सिलेक्ट ए सिक्योरिटी क्वेश्चन में पूछ रहा है ये, तो यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल देते हैं ताकि जब हम अपना पासवर्ड भूल जाएँ तो इसके ज़रिए हम अपना पासवर्ड प्राप्त कर सकें। फर्स्ट नेम पूछ रहा है, मैं पवन डाल देता हूँ। माई फर्स्ट नेम पवन, मिडिल नेम तालडा, देन मोबाइल नंबर डाल देता हूँ अपना, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेते हैं 1995। मेल हूँ तो मेल ही रहने देता हूँ, फीमेल है तो फीमेल कर लीजिएगा। इंडिया पहले से ले लिया इसने। सिटी सिलेक्ट कर लेते हैं, मेल मुजफ्फरनगर है, देखते हैं मुजफ्फरनगर यहाँ पे नहीं आ रही है, दिल्ली एक्चुअली, ये दिल्ली ले रहा है, दिल्ली कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक कैप्चा कोड है, इसको डाल लेते हैं, और क्रिएट माई अकाउंट वाले बटन पर क्लिक करते हैं। ये रजिस्टर कर रहा है, लिखा भी आ रहा है रजिस्टरिंग, ओके। अब ये एक ओटीपी मांग रहा है वेरीफाई करने के लिए। एक्चुअली ये ओटीपी हमारे मैसेज पर सेंड हो चुका है, तो सॉरी, हमारे मोबाइल पर सेंड हो चुका है 37410। आप जो भी मोबाइल नंबर देंगे उस पर ये मैसेज पहुंच जाएगा, और वो मैसेज का जो ओटीपी है आप इसमें डालकर वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये वेरीफाई हो चुका है। अब ये एजुकेशन पूछ रहा है कि आपने क्या एजुकेशन की है। सम कॉलेज बट नॉट ग्रेजुएट डाल देता हूँ, अदर, ओके, कंप्यूटर, गो टू इनबॉक्स पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, ये है इसका इनबॉक्स। अब कभी भी आप यदि मैसेज भेजना चाहें तो राइट मेल पर क्लिक करके कोई नया मैसेज टाइप कर सकते हैं, और उसके साथ कुछ भी अटैच करके भेज सकते हैं। और इधर साइड में आ रहा है लॉग आउट, हाई पवन तालडा, सेटिंग्स कर सकते हैं, कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं। मैं इसे लॉग आउट कर लेता हूँ। ध्यान रहे दोस्तों, कभी भी किसी भी तरह का ईमेल अकाउंट आप यदि कहीं पर खोलें तो उसको लॉग आउट करना ना भूलें। तो दोस्तों, ये था तरीका rediffmail.com पर अपना एक अकाउंट बनाने का। अब यदि दोस्तों आप जीमेल अकाउंट कैसे बनाते हैं, याहू अकाउंट कैसे बनाते हैं, हॉटमेल अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूंगा, आप उसको देखकर सीख सकते हैं। और दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ नए नए वीडियो लाता रहता हूँ, और जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।